जबरदस्त से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। खेल मंत्री अशोक चांद्रा की आपत्तियों पर आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का पलटवार, कहा कि नियमानुसार किया गया है कार्य। खेल परिषद के मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया ने भी कहा, जो भी कार्य किया गया है नियमानुसार किया गया है, एमओयू की शर्त के मुताबिक कार्य किया गया, असाई और साई निर्माण के लिए बाकायदा जो भी शर्तें हुई हैं उनकी पालना की गई है, नियमानुसार इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई है। अशोक चांद्रा ने जिस तरीके का आरोप लगाया था और उस आरोप के बाद विवाद इतना बढ़ता हुआ नजर आया कि एक गेट पर बाकायदा ताले भी लगा दिए गए और सुबह से ये विवाद गरमाया हुआ है। जब अशोक चांद्रा आरसीए में एंट्री कर रहे थे उस दौरान से ही विवाद की एंट्री होती है और विवाद बढ़ते बढ़ते अब यहां तक पहुंचा कि जिस गाड़ी से उतरकर वो वापस सुबह बैठे थे, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गाड़ी में बैठते हुए वहां से रवाना हुए, लेकिन जो विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया उसमें अब वैभव गहलोत का पलटवार और कहा कि जो भी काम किया गया है वो नियम के मुताबिक किया गया है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई। जबकि अशोक चांद्रा ने बाकायदा एक लेटर लिखा था और उसमें कहा था कि जो एमओयू साइन हुआ उस एमओयू की शर्तों का उल्लंघन किया गया और उन शर्तों के उल्लंघन के हिसाब से इस मैच को रद्द किया जा सकता है। हालांकि ऐसी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है, मानकर चला जा सकता है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। और वैभव गहलोत के पलटवार के बाद ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बातचीत अशोक चांद्रा से की है, अगले कुछ मिनटों में ये भी सफाई आएगी कि कोई दिक्कत नहीं है, मैच होगा। केवल जो कार्यालय है इसमें शांति से काम हो सके, यहाँ पर अभी ऑफिस टाइमिंग चल रही हैं, वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, कार्यालय के अधिकारी बैठे हुए हैं विभाग के, तो उनके किसी प्रकार के काम में कोई दिक्कत नहीं है, उनके काम में बाधा नहीं है, उसके लिए केवल बिल्डिंग जो है वो सील की गई है। अच्छा, आपने ये भी कहा कि अगर राजस्थान रॉयल्स परमिशन लेती है तो उसके बाद वो तो एमओयू में ही लिखा हुआ है कि बिना विभाग की परमिशन के कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा, तो हम सुबह से ये कह रहे हैं कि परमानेंट स्ट्रक्चर है और आप परमिशन लीजिए, जब आप परमिशन लेंगे तो सरकारी रेट के साथ में जो पैसा बनता होगा जो कि जनता के कामों में काम आएगा वो पैसा जमा कराएंगे, उसकी तो प्रक्रिया है, पर जब तक वो परमिशन नहीं लेते हैं तब तक ही अवैध माना जाएगा। सर, वो आप जो दो डॉम आप सुबह चेक करके आए थे, आपने देखा कि बहुत स्थायी तौर पर निर्माण किया गया जी, उसके अगेंस्ट अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्या नहीं, देखिए हमने, मेरी बात सुनिए, विभाग ने उसको डिमोलिश करने के आदेश दे दिए, पुलिस से पुलिस का जाप्ता मांग दिया। अब आज क्या है कि बड़े बड़े कार्यक्रम उसमें ये भी शामिल है चल रहे हैं, पुलिस व्यस्त है अपन समझ सकते हैं, तो आज नहीं होगी वो कार्रवाई, हो सकता है कल हो जाए, लेकिन पुलिस के आज व्यस्तता मानना पड़ेगा कि इतनी जनता आ रही है तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, हमारे कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सब जगह, तो हो सकता है कि आज पुलिस जाप्ता प्रोवाइड नहीं कर पाई हो, वो कल करा देंगे। डिमोलिश यदि परमिशन नहीं ली जाती है तो परमिशन नहीं ली जाती है तब तक ये अवैध है।